और कश्मीर में बीजेपी इंडिया गठबंधन में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। जम्मू और कश्मीर के शुरुआती रुझानों में इंडिया गठबंधन आगे है। न्यूज 18 पर सबसे तेज और सटीक नतीजे यहां पर आपको देखने को मिलेंगे और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, वोटों की गिनती की जा रही है। हरियाणा के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस आगे है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, शुरुआत से ही कांग्रेस की लहर देखी जा रही थी। यहां पर जबरदस्त मौजूदा सरकार का विरोध हो रहा था और इस बार ये माना जा रहा है तमाम एग्जिट पोल के रुझानों के मुताबिक भी कि कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस सत्ता में आने की तैयारी है। हरियाणा में शुरुआती रुझानों में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। हरियाणा में 42 सीटों पर कांग्रेस, 16 सीटों पर बीजेपी इस वक्त नजर आ रही है। जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं वो स्थिति आपको बता दें हरियाणा की, खास तौर पर जहां पर 42 सीटों पर कांग्रेस आगे बढ़त बनाए हुए है और 16 सीटों पर बीजेपी शुरुआती रुझानों में आगे चल रही है। स्पष्ट है जहां पर हरियाणा विधानसभा चुनाव जो है वो सीधे तौर पर देखा जा रहा था, पूरी तरीके से पारदर्शी नजर आ रहा था क्योंकि कांग्रेस की लहर साफ तौर पर यहां पर देखी जा रही थी। और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती जारी है, शुरू हो चुकी है और वोटों की गिनती के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रुझानों में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। रुझानों में इंडिया गठबंधन 28 सीटों पर आगे चल रही है। तो वही बात करेंगे अन्य पार्टियों की, तो यहां पर अन्य पार्टियां भी बढ़त बनाए हुए हैं लेकिन जिस तरीके से कांटे की टक्कर इस वक्त देखी जा रही है इंडिया गठबंधन और साथ ही बीजेपी के बीच में, बीजेपी 23 सीटों पर आगे चल रही है और इंडिया गठबंधन भी लगभग सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए है और इस तरीके से बीजेपी साथ ही इंडिया गठबंधन में कांटे की टक्कर। जम्मू कश्मीर के शुरुआती जो रुझान सामने आ रहे हैं, पल पल की अपडेट न्यूज 18 के माध्यम से, न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ पर भी आपको नजर बना के रखना है। हरियाणा का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो जल्दी आ जाएगा और बहुत ही जल्द आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 24 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी जम्मू कश्मीर में और यहां पर इंडिया गठबंधन भी बढ़त बनाए हुए है। और सीधे रुक करेंगे बड़गांव से, हमारे साथ आबिद जुड़ गए। आबिद, इस वक्त क्या स्थिति है, शुरुआती रुझान किस तरीके के देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से आपने देखा इनिशियल ट्रेंड्स दिखा रहे हैं बीजेपी और इंडिया अलायंस यानी एनसी प्लस कांटे की टक्कर है कहने के, अगर हम देखेंगे जो इनिशियल ट्रेंड्स दिखा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से वाजा था फिलहाल कांटे की टक्कर रही है 10 से ज्यादा सीटों पर, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले जो वोटिंग का काउंटिंग का अमल है वो शुरू हुआ। लेकिन ये बात वाजा है जिस तरह से न्यूज 18 ने महा एग्जिट पोल दिखाया, कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं उसके नजदीक रहेंगे। क्योंकि हम बात कर रहे थे बड़गाम और जम्मू कश्मीर की सियासत की और इस सीट पर काफी नजर बनी रही है क्योंकि उमर अब्दुल्ला यहां से मैदान में है और आज तस्वीर साफ होगी। जिस तरह से मैंने पहले ही कहा उमर अब्दुल्ला की सियासी तकदीर का आज फैसला होगा, यहां से जो भी नतीजे होंगे वो डिसाइड करेगा उनका फ्यूचर। और क्योंकि कई तरह के जो बयानबाजियां है वो मैदान में है, अदर्स पर नजर रहेगी क्योंकि इनिशियल ट्रेंड्स अभी है जो लीड्स वगैरह है, क्योंकि अदर्स का भी एक रोल इसमें रहेगा। जिस तरह से हमने देखा इन पास्ट हमने देखा जो अदर्स का ट्रेंड्स में रहना वो कहीं एक डिजिट में रहता है, लेकिन इस बार तब ये लग रहा है कि जो अदर्स की जो ट्रेंड है वो भी उसमें भी इजाफा होगा। बिल्कुल आवेट आपको रोकना चाहेंगे, लौटेंगे आपके पास इस वक्त, सीधे रुक करेंगे हम रोहतक का। हमारे साथ वीरेंद्र चौधरी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, किस तरीके की स्थिति बनती हुई आ रही है? हालांकि ये तो स्पष्ट था कांग्रेस की लहर थी, देखा जा रहा था कि जिस तरीके से भारी नाराजगी मौजूदा सरकार के लिए थी उसके बाद कांग्रेस ने बहुत शुरुआत से ही यहां पर अच्छी खासी पकड़ बना ली थी लोगों के बीच में जाकर बात अपनी रखने की, अभी किस तरीके के रुझान देखने को मिल रहे हैं? पर खर्ची पर्ची, दामाद दलाल, भ्रष्टाचार, दलितों पर अत्याचार, इस प्रकार के कोई भी आरोप न लगते हैं और वहाँ पर जिस प्रकार का विकास का कार्य हरियाणा की सरकार ने किया केंद्र की सरकार की सहायता के साथ, मुझे लगता है कि फिर से एक बार इतिहास में हरियाणा के पहली बार तीसरी बार कोई सरकार रिपीट होने वाली है और वहाँ पर प्रो इनकम्बेंसी की एक बड़ी लहर चल रही है। जम्मू कश्मीर में क्यों आपको उम्मीद लग रही है और क्या वजह है, क्योंकि INC भी बहुत कॉन्फिडेंट है, कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने के दावे कर रही है, स्टेटहुड वापस की बात करें, बहुत सारे जो बातें सामने आ रही है उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिये, जम्मू कश्मीर का जैसे 370 और 35 से हटने के बाद कायाकल्प हुआ है, टेरर हॉटस्पॉट से टूरिज्म हॉटस्पॉट बना है, किस प्रकार से जहां पर पहले बम के गोले चलते थे, आतंकवाद की घटनाएं होती थी, वहां पर कश्मीर में
गलियों में क्रिकेट खेला जा रहा है सचिन तेंदुलकर के द्वारा, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा बर्फ के गोले से खेल रहे हैं, जिस प्रकार से पत्थरबाजी पूरी तरह से समाप्त हुई है, वहाँ पर डेवलपमेंट की और राष्ट्रवाद की धारा बहने लगी है। हमने देखा है कि 3 परिवारों के पास स्पेशल स्टेटस हुआ करता था, आज 30,000 लोग वहाँ पर चुनकर DDC के चुनाव में आए, जनता ने उत्साह के साथ चुनाव में पार्टिसिपेट किया है, टेरर हॉटस्पॉट से टूरिज्म हॉटस्पॉट बना है, माँ शारदा के मंदिर में नवरात्र के घंटे बजते हैं तो ताजिया भी मुहर्रम के समय पर श्रीनगर में निकलने लगे हैं शियाओं के, तो मुझे लगता है कि सर्वांगीण विकास हुआ है और इसीलिए आज जम्मू कश्मीर जो है भारतीय जनता पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना रहा है। तो देखिए आप सुन रहे थे जहां पर बीजेपी दावा कर रही है कि एक बार फिर से तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं हरियाणा में, और सिद्ध करेंगे वीरेंद्र का, रोहतक से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं धीरेंद्र, हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोहतक से। धीरेंद्र, ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि यहां पर कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस शुरुआती रुझानों में भी आगे बढ़त बनाए हुए है। देखिए, बैलेट पेपर के जो रुझान सामने आए हैं उसमें कांग्रेस निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से आगे चल रही है, क्योंकि इस बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के अंदर सीधा मुकाबला था दोनों पार्टियों के बीच में। हालांकि कुछ निर्दलीयों ने जरूर दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ा है और वो सामने भी आ रहा है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं, लेकिन ये गिनती बैलेट पेपर की है। ईवीएम मशीन की गिनती 8:30 बजे से शुरू होगी और उसके बाद जो असली नतीजे हैं उनका पता लग पाएगा कि कौन पार्टी का कौन उम्मीदवार आगे चल रहा है। और जहां तक रोहतक की बात करें, रोहतक के अंदर 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं और गढ़ी सांपला किलोई उसमें एक निर्वाचन क्षेत्र है जहां से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ते हैं। अभी बैलेट पेपर की गिनती में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आगे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल थे उसी के मुताबिक अभी रुझान सामने आ रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर अभी धुंधली है। अभी एक से डेढ़ घंटे बाद जब 3-4 राउंड की काउंटिंग के नतीजे आ जाएंगे उसके बाद ही तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी कि हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बनेगी, क्या स्पष्ट जनादेश मिलेगा या फिर 2019 और 2009 की तरह जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अगले 2 घंटे के अंदर पूरे हरियाणा की पिक्चर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, और साथ ही धीरेन्द्र ये भी माना जा रहा है कि भले जो एग्जिट पोल के रुझान है वो अगर कांग्रेस की तरफ से हैं, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव का जो ट्रेंड रहा है वो बीजेपी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2000 से लेकर 2019 तक कुल 5 विधानसभा चुनाव हुए थे और इस दौरान देखा ये जा रहा था कि जब भी पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले कम वोटिंग हुई है या मुश्किल से 1% या 2% ज्यादा वोटिंग हुई है, उस वक्त मौजूदा सरकार ही सत्ता में आती है भले वो गठबंधन के साथ आए। तो अगर ट्रेंड की बात करें तो इस बार भी जो वोटिंग हुई है वो पिछली बार के मुकाबले कम हुई है। देखिए, जहां तक वोटिंग का ट्रेंड है हरियाणा की, एक बात यह है कि जो ग्रामीण वोटर हैं वो मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और शहरी वोटर्स जरूर उदासीन नजर आते हैं, चाहे बड़े बड़े शहरों की हरियाणा की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की या फिर करनाल या रोहतक शहर की भी हम बात कर सकते हैं, तो यहां पर जो मतदान प्रतिशत है काफी कम होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में 70% से ज्यादा भी है, बहुत सारी जगह 75% से ज्यादा भी है, तो ये नहीं कह सकते कि जो ट्रेंड है जो मतदान कम होने के या ज्यादा होने के ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि 2005 में जब कांग्रेस पार्टी हरियाणा से जीत के आई थी 67 सीटें लेकर, लेकिन 2009 में वही कांग्रेस पार्टी जोड़ तोड़ से सरकार बनानी पड़ी थी क्योंकि इतना उनको जनादेश नहीं मिला था, और 2014 में जिस तरह से पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी 2019 में इसके उलट उसको भी जोड़ तोड़ से सरकार बनानी पड़ी। अभी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों प्रदेश पर लगातार 10-10 साल राज कर चुकी है और ये 5वां ऐसा चुनाव है जो फैसला करेगा कि हरियाणा में इस बार किसकी सरकार होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी भी बताई जा रही है, क्योंकि 2019 में लोकसभा की सभी 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन 2024 में 50-50 हो गई, यानी कि 5 कांग्रेस पार्टी ने जीती और 5 बीजेपी ने। अब विधानसभा के नतीजे क्या होंगे ये थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट होगी। बिल्कुल, हालांकि धीरे धीरे जो स्थिति है वो साफ होती हुई नजर आएगी धीरेन्द्र, लेकिन जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं शुरुआत से ही कि कांग्रेस को लेकर काफी वहां पर जो सबसे ज्यादा जो जाट समाज है उन्होंने बोला कि वो पुरजोर विरोध करते हैं बीजेपी का, और उसके बावजूद हम देख पा रहे थे कि कांग्रेस की लहर शुरुआत से ही थी, उसके बावजूद वंपर वोटिंग ना होकर वोटिंग कम हुई है, ये थोड़ा सा चौंकाने वाला था। और ये कुछ तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, देखिए हरियाणा के कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें आप देख लीजिए, लगातार लोग खुशियां मना रहे हैं, ढोल नगाड़े अभी से बजने शुरू हो चुके हैं,
लोग तो नाचना भी शुरू कर दिए हैं, क्योंकि पहले से ही ये मान चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। और आप ये देखिए कि जब से वोट हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी, तो उसके बाद से ही लगातार जब एग्जिट पोल के रुझान सामने आए थे उसमें कांग्रेस को बढ़त बताई गई थी, उसके बाद चार ऐसे बड़े चेहरे, चार ऐसे बड़े नाम हरियाणा की राजनीति के, कांग्रेस के, जिन्होंने दिल्ली की दौड़ और अपने जो स्थान है वहां पर जाकर पूजा पाठ शुरू कर दिया, आशीर्वाद लेना उन्होंने भगवान का शुरू कर दिया है और कोशिश आगे बढ़ने की, जिसमें से कुछ बड़े नाम सामने आ रहे थे। एक तरफ आप देखिए कुमारी शैलजा जो कि राजस्थान पहुंची थी और वहां पर उन्होंने दर्शन किया भगवान के, गाय की पूंछ से उन्होंने आशीर्वाद भी लिया था सीएम बनने के लिए। और सीएम की कुर्सी को लेकर अब दिल्ली की दौड़ शुरू हो चुकी है। कल शाम ही कुछ बड़े नेता राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और ये तस्वीर आप देखिए। हालांकि इस बार ये कहा जा रहा था कि हरियाणा में इस बार जलेबियां बटेंगी, कांग्रेस जीत कर आ रही है, जलेबियों के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, लेकिन आप देखिए फिलहाल अभी तो लड्डू खिलाए जा रहे हैं। देखना यह है कि जलेबियां भी नजर आएंगी कि नहीं, क्योंकि राहुल गांधी का एक बयान जलेबी को लेकर काफी ट्रेंड में रहा है। और इस वक्त सीधे रुक करेंगे एक बार फिर से हम, लगातार दो तस्वीरें आपको दिखा ही रहे हैं। आबिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविध, बड़गांव में किस तरीके की तस्वीर नजर आई थी जब वोटिंग हो रही थी? हालांकि लंबे समय के बाद यहां पर चुनाव हुआ है, वोटिंग हुई है और हम देख पा रहे थे कि सुरक्षा के मद्देनजर लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे। वोट क्यों ना रखें, जमहूरियत में बिना ट्रांसपेरेंसी के क्या फायदा, जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए और लोगों का जो मैंडेट है उसके साथ छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए। अगर लोगों का मैंडेट बीजेपी के खिलाफ निकला तो बीजेपी को फिर इसमें कोई जुगाड़ और वो इस तरह की हरकतें करनी नहीं चाहिए। राजभवन को और मरकज की हुकूमत को, जिस तरह हम लोगों का फैसला तस्लीम करते हैं, पार्लियामेंट में तस्लीम किया, आज जो भी लोगों का फैसला होगा हमारे हुकुमरान जो है उस फैसले को तस्लीम करें, वही है। कोलिशन पर कितनी कॉन्फिडेंस है, एक वजन है जो कोलिशन हुई है एनसी कांग्रेस में? अब कोलिशन तो हमने की इसलिए कि इलेक्शन में कामयाबी मिले और इंशाल्लाह कामयाबी की उम्मीद रखें। जो कमेटी बनती है नॉमिनेशन की, उस पर किस तरह, किस चीज की कमेटी, जो पांच मेंबरों की होती है, देखना इस पे तो कुछ वकीलों ने अपनी राय दी है। हमारे एक वकील जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी, वो लद्दाख के मामले में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए कामयाबी हासिल की, उन्होंने कहा है कि गवर्नर साहब को अपने आप पे कोई इख्तियारात नहीं है कि वो ये सीटें भरें। ये सीटें अगर भरी जाएंगी तो असेंबली कायम होने के बाद और हुकूमत की जो राय है, पार्लियामेंट में भी यही होता है। प्रणब मुखर्जी साहब प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के बने हुए प्रेसिडेंट थे, लेकिन जब नॉमिनेशंस किए तो मोदी साहब की हुकूमत के राय के मुताबिक किए। तो देखिए उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे, उन्होंने अपना थोड़ा सा शक भी जाहिर किया है बीजेपी को लेकर। उनका यह भी कहना है कि जो भी फैसला आएगा उसे हुक्मरानों को मानना चाहिए, यहां पर कोई जोर जुगाड़ नहीं लगाना चाहिए। और देखिए दो राज्यों की अलग अलग तस्वीरें हम आपको एक तरीके से पूरा स्क्रीन पर आप देखेंगे और समझ जाएंगे। एक तरफ हरियाणा में बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी और अदर्स की स्थिति बता रहे हैं रुझानों में किस तरीके से। बीजेपी 23, कांग्रेस 55, जेजेपी 0, बीएसपी 0 और अदर्स को 6 सीटें। हरियाणा की स्थिति आप देखिए रुझानों में आगे बढ़त बनाए हुए। जम्मू कश्मीर का भी रुख देख कर ले, जहां इंडिया गठबंधन को 36, बीजेपी को 28, पीडीपी को 4 और अदर्स, जैसा कि हम बार बार कह रहे थे कि अदर्स जो हैं ये खेल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां भी बहुत ज्यादा एक्टिव रही हैं जम्मू कश्मीर में। और स्थिति यहां पर भी देखने को ऐसी मिल रही है कि जो अदर्स हैं उनके साथ भी हो सकता है कि गठबंधन करना पड़े पार्टियों को। इंडिया अलायंस की जो तस्वीर है यहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा रुझानों में आगे। और आबिद का हम सीधे